तो ये क्या आज फिर आपने वही सूट पहन लिया है? हाँ जी, मना भी किया था अभी, ऊपर आ चुके हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल कैफे से है। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल कैफे से होंगे। दोपहर के हो चुके हैं जी, एक बज चुका है। ये जी खिचड़ी बनाई है, क्योंकि तौसीफ को बुखार था तो उस वजह से जी खिचड़ी बनाई थी। मैंने कहा मैं भी जी दोपहर का खाना भी खा लेती हूँ, सुबह का नाश्ता भी खा लेती हूँ। तो बाहर का जी आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बादल बने हुए हैं जी माशाल्लाह, दिखेंगे बहुत प्यारा व्यू बन चुका है। तो आज हम जी बनाएंगे एक खास स्पेशल रेसिपी। तो अभी जी वो तैयारी करने वाली है, अभी सारी चीज़ें वगैरह जी वो प्याज वगैरह टमाटर शमाटर सारा छीलते हैं, फिर आपके साथ जी मुलाकात करते हैं। बाजी एक इधर बैठी हुई है और एक बाजी इधर बैठी हुई है, अराउंड अराउंड बैठी हुई है। तो जी मैं खाना खा के फिर आपके साथ जी मुलाकात करते हैं और शेयरिंग करते हैं। फिर ये देखिए जी, ये है जी साबुत सूखा धनिया और ये है जी लहसुन के जवे, तो ये देसी लहसुन है जी। तो ये मैंने जी एक बड़ी गट्ठी ले ली है, तो अब इसको जी दोरी में हम बारीक करेंगे। ये जी दोरी में बारीक करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका आप क्या करना है। छिलकों समेत जी मैंने लहसुन डाला है। बिना ये देखे जी, ये है जी हमारी चिकन कलेजी और ये है जी 2 किलो। अब इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। तो ये देखिए जी मैंने अपनी चिकन ग्रेवी को वॉश कर ली है, ये देखिए जी बहुत अच्छे तरीके के साथ। और लहसुन और जो हमारा वो था जी साबुत सूखा धनिया, उसे भी मैंने जी दोनों में बारीक कर लिया है। और ये एक हमने ले लिया है जी बड़ा देखचा, इसे ऊपर रखना है जी मैं, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जी 2 कप पानी। ग्रेवी वॉश करने का तरीका आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ही दे देते हैं ढक्कन और पानी गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। तो इस पानी का जो उबाल आ चुका है, तो अब इसमें मैं डालूंगी जी ये पेस्ट जो लहसुन और सूखे धनिया का हमने तैयार किया हुआ है, अब इसको जी पानी में डाल देंगे। और अब इसमें मैं डालूंगी जी ये कलेजी, चिकन कलेजी जो हमने पहले से वॉश करके रखी है। ये जी अब अच्छी तरह वॉश हो जाएगी और इसमें जितना जी फालतू ब्लड और इसमें जितनी स्मेल है जी वो अब निकल जाएगी। तो इसको दोबारा जी ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छी तरह जी उबाल आए और हमारे के लिए चिकन ग्रेवी अब अच्छी तरह साफ हो जाए। तो वही वजह देखे जी उबाल आने शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जी हमने इसे सारा जो है बॉयल कर लेना है कलेजी को, ताकि ये हमारा जो ब्लड है और जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अब मैं चूल्हे में करूँगी जी बंद और अब इसे लेकर चलते हैं जी टूटी के नीचे, वहाँ से जी इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे जी दोबारा। आपने हमारे साथ रहना है जी। अब ये इस तरह एक एक बोटी को वॉश करते जाना है और दूसरे बर्तन में रखते जाना है। ये देखेंगे ये देखें जी अच्छी तरह हमारी चिकन ग्रेवी जो है वॉश हो चुकी है माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें जी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, जो मैंने इसमें लहसुन और वो डाला है सूखा धनिया। तो अब इसकी करेंगे जी कटिंग, ये जी सेंटर से इस तरह 2-2 पीस करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह इसके पीस कर लेंगे सारे और दूसरे जी साइड पे करते जाएंगे।
तो ये देखे जी, हमने अपनी चिकन कलेजी के इस तरह पीस कर लिए हैं जी। ये देखे जी, सारे पीस इसी तरह के हैं ताकि एक लुकमे के साथ भी वो हमारी एक जो बूटी है वो आ सके। इसके ऊपर दे देते हैं जी कपड़ा फिलहाल, मक्खियाँ ना बैठे, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जी एकदम। तो इस तरह इसे ढाँक देते हैं जी। चूल्हे को फिर जी आग लगाते हैं दोबारा से। अब कढ़ाई रखी है मैंने, तो अपनी रेसिपी जी स्टार्ट करते हैं। चलो आज हमारी जी स्पेशल चिकन ग्रेवी की रेसिपी है और ये स्पेशल बनेगी जी डिफरेंट तरीके के साथ, तो आपने फॉलो करनी है। और 2 किलो जी हमारी चिकन ग्रेवी है, तो आप इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जी घी। घी जी 1 कप के बराबर हम डालेंगे। बस घी हमारा गर्म हो चुका है जी। अब मैं इसमें डालूंगी जी ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हमारा लहसुन है। इसमें अदरक शामिल नहीं है, सिर्फ लहसुन है। अब इसे भी हम रोस्ट करेंगे। ये है जी हमारे 1 किलो टमाटर। ये लहसुन का पेस्ट जी रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे जी 1 किलो हमारे टमाटर हैं जो हमने चॉप किए हुए हैं, जिसमें लहसुन रहे हैं उनको शामिल कर देंगे जी। बस हवा बहुत तेज है जी, तो चूल्हे को जी ये तपिश नहीं लाग रही, सेक नहीं लाग रहा। बहुत मुश्किल से जी ये हमारे जो टमाटर है फ्राई हो रहे हैं। हल्की हल्की आँच है, हालांकि मैंने थोड़ी तेज की हुई है। बाजी दर में लगी है जी आटा, और साथ आज बनेगी रोटी, ये वो भी बनेगी जी तवे वाली, क्योंकि गैस बहुत कम होती है। तो भी बस हमारे टमाटर भी फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी जी अपने मसाला जार, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच हमारा है जी गरम मसाला, 1 चम्मच है जी ये काली मिर्च। आज की बना रहे हो? आज जो लेके आए हैं सुबह। अच्छा अच्छा, वो आज तो भाई न्यू स्टाइल और कर दिया। सही रोस्ट कर, अभी रोस्ट हो गई। अच्छा, रोस्ट किया घी में? रोस्ट नहीं किया। आप खाने लगे? हमने क्या रोस्ट किया? मौसम बहुत अच्छा हुआ है, देखे ना कितनी प्यारी आवाज आ रही है। आज बारिश होगी इंशाल्लाह, बस 3 बजे शुरू हो जाएगी। 3 बजे की बारिश है, 3 से लेके आज पूरी रात होगी बारिश। तैयारी कर ले यार, बारिश ही बस, 2 दिन बारिश है, फिर आगे पूरा हफ्ता गर्मी गर्मी। तो अभी मैं ये देखे जी मसाला बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है माशाल्लाह। तो अब इसके मैं डालूंगी जी कलेजी, बहुत बहुत ही गिरने लगूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखे जी हम इसको करेंगे जी फ्राई। मुझे काम पे लगा दिया इन्होंने, मैं अभी अदरक काट रहा हूँ। मैं देखे कितना प्यारे तरीके से काट रहा हूँ। अभी आपने मिर्चे भी काट दिए सब? ठीक है जी, मिर्चे भी काट देंगे आप, बेशक फिर आप में लगती रहे। हाँ जी, लगे जो मर्जी करे। तो ये क्या, आज फिर आपने वही सूट पहन लिया? हाँ जी, मना भी किया था, व्यूअर्स काफी एतराज कर रहे हैं कि एक ही सूट डालती हैं आप। तो सूट मैंने डाला, मैंने धो के डाला है, हर रोज। अच्छा, रोज एक ही सूट है? किस तरह के 2-3 है? नहीं मैं आपको बताती हूँ ना। तो अभी बस ये जी जब चूल्हे के आगे बैठना होता है ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो जो मेरे दूसरे कपड़े हैं जी वो यहाँ पे बड़े बाजू के टाइट हैं और गर्मी भी लगती है। तो ये देखे जी इसके बाजू हैं जी पिच बटन वाले, ये देखे जी, ये नमाज भी पढ़नी होती है साथ साथ, और ये देखे जी बाजू फिर ऐसा फोल्ड भी हो जाते हैं। और ये बड़ा हल्का फुल्का जी मेरा वो ड्रेस है, तो इसको मतलब वॉश करके तो रोज ही पहन सकता है। मेरे ख्याल में तो मैंने आपको रेसिपी दिखानी होती, मैंने अपने कपड़े तो नहीं दिखाने होते ना। तो इवन इस तरह के जवाब कमेंट्स करते हैं, तो फिर मैं कहती हूँ पहले तो मेरा दिल है मैं खामोशी रहूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको रिप्लाई कर ही देते हैं कि इसकी क्या रीज़न है।
एक ही सूट पहने थे। ये जी स्पेशल गर्मियों वाला ड्रेस है, हल्का फुल्का, ये चूल्हे के आगे बगल बैठ के इसके साथ कितनी आसानी से खा सकते। तो अभी मैं अब मैंने जी इसकी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे तरीके के साथ जी भुनाई कर ली है। तो अब इसके ऊपर दे देते हैं जी ढक्कन, और ये जो हमारा चमचा है इसको इस तरह जी साफ कर देते हैं। तो इसके ऊपर दे देते हैं जी ढक्कन, और फिर जी 5 मिनट तक इसको गलने देते हैं। कलेजी जो है वो गल जाएगी, फिर जी बाकी की शेयरिंग कर देते हैं। 5 मिनट जी हमारे पूरे हो चुके हैं। आप देखते हैं जी क्या कंडीशन है जी हमारी चिकन कलेजी की। ये देखें जी घी ऊपर आ चुका है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो अब डालेंगे जी इसमें सब्ज़ मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा धनिया पुदीना है जी, ये भी डाल देंगे। और ये है जी अदरक, देखिए जी असलम साहब ने बहुत अच्छे तरीके के साथ जी अदरक काट के लिया। थैंक यू जी, वेलकम। ये काम तो आपने अच्छे तरीके से साथ किया। और ये भी डाल देंगे जी ऊपर, ये भी इसी तरह जी पूरिया ठंडिया के ऊपर ये डाल देंगे। और फिर इसे जी आप दोबारा 5 मिनट के लिए ढक्कन ऊपर दे देते हैं, ताकि ये अदरक और सब मिर्चें जो है वो जो खुशबू जो है वो सारी हंडिया में फैल जाए, ठीक है। और अब मिलेंगे जी एंड में। तो ये देखिए बस बाजी जी रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं बाजी ने। तो मेरे हाल में जी एक दो बन भी गई है, हाँ जी एक रोटी बन चुकी है, और बाकी रोटियां जी बना रही हैं। हंडियां हमारी ये तैयार हो चुकी है। तो टाइम हुआ है जी 4, और आपको जी दिखाते हैं मौसम। देखिए जी मौसम एकदम से बहुत खूबसूरत हो गया माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी फ्रेश हवा चलने लग गई है जी, बादल आ गए आसमान के ऊपर। ये देखिए जी आज सुबह से जी ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है। अब इधर बारिश आ रही है, आज पंखा भी नहीं लगाना, आज पसीना नहीं आ रहे, ये बस अब दस्तरखान लगाने लगे हैं जी, रोटियां बन चुकी है इधर। तो भी बस खाना भी हमने लगा लिया है, तो बारिश भी आ गई है। ये जनाब पूरी रात का सुबह तक बारिश है, हाँ जी कल भी दिन में होगी सही। इतनी फिर एक बारिश आती है, जब आती है तो फिर खूब ही बारिश, हाँ जी। फिर हमारा जी वहाँ से वो छत नहीं है तो सारा पानी अंदर, किचन खराब। तो चले जी खाना खाते हैं जी, आपके साथ ही शेयर करते हैं। सुबह जी हमने खाना थोड़ा हल्का नाश्ता किया हुआ है, तो आज जल्दी खाना खाते हैं शाम का, ठीक है। हमारे ऐसे कहते हैं जी आप जल्दी खाना खाते हैं जी, हमें जल्दी खाना खाने के आते हैं। सुबह जी हम हल्का नाश्ता करते हैं, फिर इस वक्त जो है वो भरपूर विटामिन लेते हैं, भरपूर खाना खाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो बहुत ज्यादा घी निकल आया है। हाँ ये देखिए हमारी रेसिपी लाजवाब, जबरदस्त खुशबुएं आ रही है माशाल्लाह। पता नहीं जी एकदम मक्खियाँ कहाँ से आ जाती है। देखिए जी अदरक और मिर्चे जो है वो इसकी खुशबू रच बस चुकी है। मैं डाल के देती हूँ जी असल साहब को, टेस्ट करके बताएं। बाजी जी बाहर फिरने चली गई है। रोटी डाले जी, रोटी डालेंगे रोटी। ये देखिए जी मैंने सारे डाल दिए है, यहाँ पे रखते हैं जी रोटी। ये देखिए एक रोटी इधर, आप इधर आ जाए मेरे साथ इधर। और आज बाजी जी चली गई है, बाजी ने 6 बजे ही आना है, वो कब्रिस्तान गई है। सालू जी हमारा पक चुका है, मैंने सबको डाल दिया है। तो मैं आपको चेक करवाते हैं जी कलेजी की कंडीशन क्या है। ये देखिए जी गल चुकी है और मसाला इसके अंदर तक चला गया है, इसका टेस्ट आ रहा है जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खा के बताते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बादल आए और फिर एकदम अंदर आ गए, खा भी टेस्ट कर लो जी। 3 बंदियां जी खाना खाने वाले, और बच्चे भी साइड पे बैठे हैं जी, उन्होंने भी खाना लेना नहीं देते। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार जी माशाल्लाह, परफेक्ट। हाँ जी
और सबसे अच्छी बात भी आ गई, जो पीस हैं जी माशाल्लाह छोटे छोटे, वो देखें जी इस तरह उठाए और एक लुकमे के साथ इस छोटे छोटे पीस उठाते जाए और थोड़ा थोड़ा इस तरह साथ मसाला और ये देखें जी चिकन मसाला चिकन पनीर जी माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर अब हम खाना खाएंगे जी और मौसम आप इंजॉय करेंगे थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद, तो आप आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। तो उम्मीद है मैं आपको आज की हमारी मसाला चिकन कलेजी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको जी हमारी शेयरिंग और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए। तो अब जी इतना अच्छा खाना खाने का जी रब्बा हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हमारे दोस्त अहबाब बहन भाई जितने भी जी हमारी वीडियो को वॉच करते हैं जी अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ में आमीन। तो ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाजत देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।